हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास चंद्र है और आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आसान विज्ञान में। दोस्तों 6.3 थ्योरम एंड 6.4 थ्योरम, ठीक है नहीं, हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। और इसके बाद अपने को अब करना है 6.5 थ्योरम, ठीक है नहीं। अब 6.5 जो थ्योरम है वो क्या कहती है उसको मैं समझा दे रहा हूँ। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो हमसे इसमें कहा गया है कि दो ट्राइंगल पहले अपने को बनाना है, ठीक है। एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है। एक छोटा ट्राइंगल बनाते हैं हम हमेशा और एक बड़ा ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है नहीं। इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ए बी सी, इस ट्राइंगल को डी ई एफ, ठीक हो गया। और हमसे ये कहा गया है कि वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, ठीक है नहीं। मतलब इस ट्राइंगल का एक एंगल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ए, और इस ट्राइंगल का एक एंगल, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल डी, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल, ठीक है नहीं। तो ये हमें गिवन है, गिवन क्या है, एंगल ए और एंगल डी आपस में कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये उसने गिवन कर दिया है। उसके बाद हमसे बोला है एंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल, मतलब ये जो एंगल हैं इंक्लूडिंग दिस साइड, इंक्लूडिंग दिस एंगल, मतलब इनकी जो ये साइड है ना, इस एंगल के इधर वाली ये वाली साइड, ठीक है, और ये वाली साइड, इसका जो करस्पॉन्डिंग जो साइड है इस वाले ट्रायंगल में, ये वाली और ये वाली, इनका भी रेशियो कैसा है, इक्वल है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है नहीं, समझ। ये हमें गिवन है, ठीक है ना। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और दो करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या है इसमें, इक्वल है, ठीक है ना। अब प्रूफ करना क्या है, इसमें प्रूफ करना क्या है, वी हैव टू प्रूफ पहले की तरह ही इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना, इन दोनों ट्रायंगल को दिखाना है सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तभी हो सकते हैं जब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। भाई ए और डी तो इक्वल दे रखे हैं, एंगल बी और एंगल ए इक्वल करना है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल करना है, ठीक है नहीं। उसी के लिए सारा काम करेंगे, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं हमसे ये पूछा जा रहा है कि ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। अब इसको प्रूव करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ें और इक्वल करनी है, एक तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल करना है और दूसरा एंगल सी एंगल एफ के इक्वल करना है, ठीक है। ये दोनों अपने को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। एंगल ये तो पहले से दे ही रखा ना एंगल डी के, तो स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है नहीं। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमें, कंस्ट्रक्शन में ये करना है ए बी के इक्वल यहाँ पर हमें इस साइड को कट करना है और ऐसे ए सी के इक्वल इस वाले साइड में कट करना है, ठीक है नहीं। मतलब मैंने इसमें ये कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पर, यानी कि ये जो ए बी है उसके इक्वल ये कट करना है। इसको मैं पी बोल दे रहा हूँ और इसको क्यू बोल दे रहा हूँ। तो ए बी के इक्वल डी पी लेना है और ए सी के इक्वल डी क्यू लेना है। इस तरह से कट करना है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में कट करना है अपने को ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है नहीं। ए बी इक्वल टू डी पी ए सी इक्वल टू डी क्यू, ठीक है नहीं। तो ये हमने कट कर लिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है नहीं। इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, यानी कि ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। एक तो ए बी और डी पी क्या है आपस में, इक्वल है। दूसरा
एसी एंड डी क्यू इक्वल है, क्यों इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इसके अलावा और इसमें क्या इक्वल है, इन दोनों ट्रायंगल में और क्या इक्वल है, एंगल ए और एंगल डी भी क्या है इसमें इक्वल है, एंगल ए, एंगल ए एंड एंगल डी इक्वल है। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है, ऊपर देखो दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है ना। तो तीन चीज़ें इसमें इक्वल हो चुकी हैं, ठीक है ना, इसमें तीन चीज़ें इक्वल होंगी, दो तो इसमें साइड हैं और एक इसमें क्या है एंगल, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया कौन सा है, साइड ए और साइड एंगल, साइड के द्वारा हमने ये दोनों ट्रायंगल कैसे कर दिए हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अब मैं लिखने वाला हूँ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, इट मींस इन दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी इक्वल, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे इक्वल। अगर जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आते हैं इक्वल, यानी कि एंगल इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इज इक्वल टू क्या जाएगा एंगल डी, वैसे भी ये गिवन था पर यहाँ से भी प्रूफ हो चुका है, ठीक है। दूसरा एंगल बी इक्वल टू, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, ठीक है ना, ये यहाँ से प्रूफ हो गया दोनों एंगल बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है ना, तो ये यहाँ से प्रूफ हो चुका है, इनका यूज हम बाद में करेंगे, ठीक है, तो इसको इतना ही छोड़ दूँ। उसके बाद हमें एक जो गिवन है ना ये वाला, इसका यूज करते हैं, हमें दिया था इसमें ए बी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ, ये हमें गिवन है, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। अब इसको लेने से क्या फ़ायदा होगा देखते हैं भाई, ए बी के इक्वल, ए बी के इक्वल क्या है और ए सी के इक्वल क्या है, देख लो ए बी के इक्वल क्या है डी पी और ए सी के इक्वल क्या है डी क्यू, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू, यहाँ पर रख दिया मैंने। अब मैं जहाँ पर ए बी होगा वहाँ पर क्या लिख दूंगा डी पी, ठीक है, और जहाँ ए सी है वहाँ क्या लिख दूंगा डी क्यू, ठीक है, ए बी की जगह मैंने डी पी कर दिया और ए सी की जगह में डी क्यू कर दिया, ठीक है। अब ये जो आया है इसको देखते हैं ये है क्या, ठीक है ना, डी पी अपॉन डी ई, डी पी डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, ठीक है, ये आया। तो ये तो थेल्स पर में है, ये क्या है थेल्स पर में, ठीक है, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, ठीक है ना, थेल्स पर में से प्रूव करके आते हैं, ठीक है ना। हालांकि हम जानते हैं कि थेल्स पर में होती है ना डी पी अपॉन पी ई और डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ये होती है, पर उसी से आगे प्रूव करके ये भी आता है डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं, जब ये होता है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होता है, ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में ये अगर रेशियो ऐसा इक्वल आ रहा है तो उसमें जो करस्पॉन्डिंग ये जो लाइन है ना ये दोनों कैसे हो जाएंगे फिर पैरेलल, मेरा कहने का मतलब है कि पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा फिर ई एफ, अगर कभी इस तरह का रेशियो अगर इक्वल आता है तो जो नीचे दो लाइन होती हैं वो कैसे होती हैं पैरेलल, ठीक है ना, पी क्यू और ई एफ क्या हो जाएगा पैरेलल। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो इनमें इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, ये एंगल और ये एंगल, दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, ये क्या होते हैं इक्वल। मेरा कहने का मतलब है अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो गई जो कि हमने कर दिया है, ठीक है ना, तो अब मैं एंगल पी को एंगल ई के इक्वल लिख सकता हूँ और एंगल क्यू को एंगल एफ के इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है ना, पर जैसे मैंने बोला था कि इसका यूज मैं बाद में करने वाला हूँ, ठीक है ना, एंगल पी किसके बराबर है एंगल बी के, एंगल पी किसके बराबर है एंगल बी के, तो एंगल पी के इक्वल ये भी है तो एंगल पी के इक्वल एंगल बी भी होगा, यानी कि इसको मैंने एंगल बी ऐसे भी लिख दिया, ठीक है ना। एंगल क्यू किसके इक्वल है एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, पर एंगल क्यू किसी और के और भी इक्वल है, ठीक है, जैसे सी के
एंगल क्यू एंगल सी के भी क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पर इसको एंगल क्यू इक्वल टू एंगल सी भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये दो बातें निकल गया, एक तो एंगल ई एंगल बी के कैसा है, एंगल ई एंगल बी के क्या है, इक्वल है, और एंगल एफ एंगल सी के भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमें इतने की ज़रूरत है तो हम इतना ही लेंगे फिर, ठीक है नहीं। तो अब यहाँ से मैं सबसे पहले तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल दिया ही था अपने को, एंगल ए और एंगल डी इक्वल दिया था, ठीक है नहीं। दूसरा अब ये दो चीज़ें हम निकाल के यहाँ से लाए, यानी कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के क्या हो गया, इक्वल है, ठीक है नहीं। अब ये तीन चीज़ें अगर किसी ट्रायंगल में आ जाती हैं, ठीक है नहीं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है नहीं। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं सिमिलर। सिमिलर को प्रूफ करने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या दिखाने का, हमें इक्वल दिखाने का, जो कि मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है नहीं। तो 6.5 थ्योरम भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 6.3, ठीक है नहीं, और वो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है नहीं। आज के लिए इतना ही, इसे नोट कर लीजिए।